हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज थी होली और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। तो मैं नई वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज दो इंसिडेंट हुए, दो बहुत बुरी चीज़ें। एक तो आपने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया होगा कि उसका पैर कट गया था, तो हम अच्छे से होली सेलिब्रेट कर ही नहीं पाए थे। और शाम को भी एक खतरनाक, मतलब बहुत बुरा सीन हुआ था, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली सीन ये था, सुबह हमने थोड़ी बहुत होली खेली, उसके बाद पीयूष को चोट लग गई तो उसके बाद नहीं खेल पाया ज्यादा। उसके बाद शाम को नहा धो के अच्छे से हम निकले थे बाहर गली में। शाम को अराउंड 5 बजे की बात है, कार खड़ी थी मेरी। तो मेरे को ना मतलब अजीब सा लग रहा था कि यार मेरी कार खड़ी है, कहीं कार पे कोई रंग ना लगा दे। मेरे को फीलिंग सुबह से ही आ रही थी वैसे तो, बट स्टिल मैंने कुछ ऐसा किया नहीं। मेरे को लग रहा था चलो यार उस पर कवर लगा हुआ है, कोई क्यों ही छेड़ेगा उसको, कवर को हटाए क्यों कोई कलर लगाएगा। बट स्टिल मेरे अंदर से आ रहा था कि एक बार चेक जरूर कर लो अपनी गाड़ी को कि गाड़ी सही है मेरी, ठीक है। और मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और मैं गया बाहर, मैंने चेकिंग की, कवर हटाया, और उसके बाद क्या मिला मुझे वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप खुद ही देख लो। एक बार निकाल के देख लेते हैं भाई किसी ने कल, नहीं लगाया। अरे एक बार निकाल के देख लेते हैं, फिर भी देख लेते अरे हैं, नहीं यार, पीछे से देख लेते हैं। भाई खबर आई थी कि ये उतार के देख रहे थे लोग, मैं भरोसा नहीं है, जलने वाले बहुत हैं। नहीं फिर भी पता तो चल ही जाएगा। ओए ये देखो, ये देख, ये देख स्प्रे मार के गए हुए हैं, निकल तो जाएगा नहीं, ये गाड़ी को भी नहीं छोड़ते। अब देख लो गाइस, मेरे को रंग लगाने आए, मैं नहीं मिला तो ये काम कर दिया गाड़ी के साथ। वही था क्या? पक्का कैमरे में तो नहीं चलेगा, पता स्प्रे है, साफ दिख रहा है। वो चलो देख लेंगे, वो तो देख लेंगे, ये तो साफ करो। पानी पानी लेके आइयो, मतलब देखो इसको उतार के ऊपर करके फिर मार के फिर वापस चढ़ा रखा है। देखिए इस पे भी लगा हुआ है, ये देखिए इस पे भी लगा हुआ है यार, ये देखिए इस पे भी, कवर पे भी लगा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं यार, मेरे को लग रहा था यार कुछ ना कुछ तो पंगा होगा। क्या हुआ, नहीं निकल रहा? पक्का रंग है, निकल तो नहीं रहा यार। पानी भर भर के पानी लाना चाहिए था, नहीं निकल रहा, पता नहीं क्या मार दिया। स्प्रे है और पक्के रंग का स्प्रे है, निकल भी नहीं रहा यार ये तो। पहले तो देखते हैं कौन है भाई, अब की बार नहीं छोड़ेंगे ना भाई, अब की बार तो अपन कुछ भी नहीं निकाला। कैमरा आएगा तो नहीं यार उधर से? अरे नहीं आएगा, कौन है, छुप के मार दिया होगा किसी ने। मम्मी जी गाड़ी का हाल खराब कर दिया, मीट निकल नहीं रहा, वो पक्का रंग लगा रखा है पूरी पीछे। अब देख लो कैमरे में दिखेगा नहीं, पीछे से कैसे दिखेगा? इसने मारे इसने, ये कौन है, ये किसके, इसने मारे इसने, ये छोटा वाला आ रहा जो आगे, ये आ रहा है, ये इसने मारा है, है कौन ये, ये था। नींबू से ट्राई कर रहा है, नींबू से थोड़ा निकलेगा भाई, नींबू से नहीं होएगा। मिट्टी का तेल भी ट्राई कर लेते हैं भाई, आई डोंट थिंक इससे भी निकलेगा, इससे भी नहीं निकल रहा। पीयूष भी आ गया यहाँ पे, 150 रुपया लेगा, गाड़ी खराब हो गई तेरे को 150 रुपये उठा के घर छोड़ गया। कर दो अब नीचे ही कर दो, क्या करें, स्प्रे तो तेरे हाथ में दिख रहा है, दिख तो तेरे हाथ में रहा है स्प्रे, उसने दिया था मेरे, किसने मारी है, मारने के बाद दिया था, वीर बुला बुला बुला, रिकॉर्डिंग आ रही है सारी तुम्हारी, अभी गाड़ी लिया और स्प्रे मार के आ गए, उतर भी नहीं रहा, वो पक्का पेंट मार के आए हैं और वीडियो में आ रहे हमारे बाहर। तो जैसे कि आपने देखा गाड़ी के बैक साइड में पूरा स्प्रे कलर लगा रखा है जो कि बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, बहुत सारे हमने चीज़ें लगा ली, केमिकल्स था क्या क्या लगा लिया, बट वो नहीं निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पक्का रंग है। तो अगर सबसे पहले तो आप, अगर आपको पता है किस चीज़ किस तरह से वो निकल सकता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। बाय द वे हम जाएंगे सर्विस सेंटर या फिर जहाँ भी शॉप वगैरह में जहाँ ठीक होता है करवा लेंगे। और जैसे कि हम गए थे, हमने हमको फुटेज मिल गई थी और हम ढूंढ भी लाए थे उसको जिसने वो स्प्रे कलर किया था, और उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, बट मम्मी ने मना कर दिया कि वीडियो मत डालियो उसकी शक्ल, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। मेरे पास तो प्रूफ था वीडियो में, तो उसको हाँ भी करनी पड़ी, उसने बोला हाँ मैंने डाला, मैंने कहा क्यों, कह रहा ऐसे ही, कह रहा मैं आपको नीचे बुला रहा था आप नहीं आए तो मैंने आपकी गाड़ी पे कलर मार दिया। मैंने कहा ये क्या बात हुई, कोई गलती से कलर लग गया, गलती से, कोई गलती अलग चीज होती, कह रहा गलती होगी, मैंने कहा गलती थोड़ी ना थी ये, गलती तो ये होता है ना कि गलती से कलर लग गया, तुमने तो पहले कवर को हटाया ऊपर किया फिर वहां पे स्प्रे पेंट किया फिर उसको नीचे कर दिया ताकि इसको पता ही ना चले, ये तो जानबूझ के करना होता है ना, मेरे को बस उससे पूछना था कि तुमने क्यों किया। और फिर उसके घर के और भी महान अकड़ के बोल रहे कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता, जो ऐसे लोग होते हैं ना उनके पेरेंट्स की वजह से ही ऐसे लोग काम करते हैं, बिकॉज उनके उसके पेरेंट्स ने उसको समझाया तक नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया, डांटा भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा उसने, मेरे को ही कह रहे कुछ नहीं होता हो जाएगा ठीक। मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन मैं नहीं डाल रहा बिकॉज मेरे को लड़ाई वड़ाई करने का शौक नहीं है, मतलब बहुत बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, अपनी मेहनत करके मैंने गाड़ी ली है अपनी फैमिली के लिए, इतनी महंगी अराउंड 25-26 लाख की गाड़ी पड़ रही है मुझे, और कोई इस तरह से स्प्रे कलर मार के जाएगा तो लिटरली बहुत बुरा लगता है। और ऐसा फर्स्ट टाइम ही नहीं है, ऐसा यहाँ पे मेरे साथ बहुत बार हो रहा है, यही एक मेन रीज़न है, दैट इज़ व्हाई आई एम शिफ्टिंग,
हम शिफ्ट करने वाले हैं जल्दी यहाँ से, क्योंकि प्राइवेसी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब अजीब सा लगता है, मुझे डर सा लगता है, पता नहीं क्या ही बिगाड़ा मैंने किसी का। लोगों से ना देखा जाता कोई आगे बढ़ रहा है ना, अब पता चल गया था कि मैंने नई नई गाड़ी ली है, गाड़ी खड़ी है इसकी, इसी को खराब करो। अब वो कलर निकल दे ना, सबसे मेन पंगा तो वही है। अब कल जाएंगे देखेंगे सर्विस सेंटर या फिर जहाँ भी शॉप वगैरह पे जहाँ कुछ होगा तो करवाएंगे उसका, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देख लेना। बाकी मेरा तो मूड लिटरली इतना खराब हो गया ना गाड़ी को देख के। तो ये जो होली का दिन था वो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे तो पहले तो हम होली नहीं खेल पाए, पीयूष के पैर में लग गई और फिर उसके बाद गाड़ी पे कोई कलर मार गया। बाय द वे ये जो कैमरे हैं इनका मुझे लिटरली बहुत फायदा होता है, बहुत ही ज्यादा। मेरा बिल्कुल सही डिसीजन था ये लगवाने का। तो बस यही मुझे कुछ इस वीडियो में आपको बताना था, कोई व्लॉग नहीं था ये, इस व्लॉग तो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा इसको अलग करते हैं और अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं, बिकॉज मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था ना मैं बता नहीं सकता आपको। एनीवेज गाइज थैंक यू सो मच इतने ज्यादा प्यार के लिए, इतने ज्यादा सपोर्ट के लिए। आप लोगों की वैसे ही पॉसिबल हो पा रहे हैं, आप लोगों को ही मैं शेयर कर पाता हूँ अपनी लाइफ। मैं लिटरली मैं आप लोगों की तरह ही हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से ही था, बस अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करता हूँ जो भी नॉर्मल लाइफ है। पता नहीं लोग क्या समझ लेते हैं, क्यों हेट करते हैं, क्यों जेलस होते हैं। तुम भी करो काम, तुम भी बराबरी करो, किसी का कुछ बिगाड़ के किसी को हेट करके कुछ नहीं होने वाला। अपना काम करो, अपने काम पे फोकस करो, बस जिस तरह से मैं करता हूँ। तो बस गाइस अभी थोड़ा मुझे हल्का हल्का फील हो रहा है, फिलहाल तो मैं बस एडिटिंग करूंगा और फिर सो जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तू था क्या, तू था? हाँ वीडियो बनाऊंगा, तेरी तेरी वीडियो आ रही है, टेंशन ना ले। जो तूने मारा था ना उसकी बाहर, हमारे हमारे घर के बाहर कैमरे लग रहे हैं, हमारे घर के बाहर भी तेरी आ रही है वीडियो मारते हुए। मारा था? क्यों मारा, क्यों मारा ये बता दे बस। ऐसे ही मार दिया पक्का, निकल ही नहीं रहा वो। उतार के दिखा दे।